नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत बढ़िया टाइटल पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कि जमीन में पानी का पता कैसे लगाएं। बहुत सारी स्कीमें हैं जमीन में पानी का पता लगाने के लिए और बहुत पूर्व काल से यानी कि पहले के जमाने से ही जमीन में पानी का पता लगाने के लिए बहुत सी विधियाँ प्रचलित है और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग विधियाँ होती है, जिसमें कि कुछ लोग नारियल हाथ में लेकर पानी का पता लगाते हैं, नारियल खड़ा हो जाता है या चिटक जाता है तो उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारे खेत में पानी उस जगह पर ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग डंडियां लेकर घूमते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। एक स्कीम और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं आपको सबसे अच्छी एक बात ये बता दूँ कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और विज्ञान जो है वह भी देवी का ही एक रूप है, देवी के रूप में ही विज्ञान इस जमाने में आया है। तो वैज्ञानिक जो भी उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण जमीन में पानी का पता लगाने के लिए जहाँ तक आप हो संभव हो आप उनके ही जरिए जमीन में पानी का पता लगाएं। इसके बाद में एक बात और बताऊंगा कि आप जिस किसी भी उपकरण से जमीन में पानी का पता लगाएं, सबसे पहले हमारी जो धरती माता है इनकी पूजा जरूर करें, क्योंकि हम सभी किसान जितने भी किसान हैं वह सिर्फ और सिर्फ धरती से ही यानी कि मिट्टी के द्वारा ही पैसा कमाने का, अपने जीवन यापन करने का, पेट भरने का काम करते हैं। और बहुत सिंपल सा मंत्र है, पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वम विष्णुना कृता त्वम च धारय माम देवे पवित्रम गुरु शासनम। इस मंत्र के द्वारा धरती माता की पूजन करें, कुकू हल्दी चावल वगैरह चढ़ाएं, भोग रखें, सफ़ेद फूल धरती माता को अवश्य चढ़ाएं और चाहे कुछ भी काम करें दुनिया में हमेशा धरती के प्रति, जमीन के प्रति अपने आप को समर्पित रखें, क्योंकि हम किसान हैं और जमीन ही हमें खाने के लिए देती है। तो मैं बात करता हूँ, ये मेरे बगल में है बमीटी। बमीटी होती है दीमक का घर, इसमें कहीं जो सुराग रहते हैं बड़े बड़े उनमें सांप आके भी रहने लगते हैं, इसको हम बामी भी बोलते हैं बमीटी को। आपके खेत में जहाँ कहीं भी बमीटी हो आप उस बमीठी के बगल में, जैसे कि इस जगह पर यहाँ आप बमीठी के बगल में ट्यूबवेल की जो बोर आता है जो वो छेद करने का होता है उसको रखवाएं और आप ट्यूबवेल करा लें। आपकी ज़मीन में पानी, आप जिस किसी भी क्षेत्र के हों, अगर आप की श्रद्धा धरती माता के प्रति परिपूर्ण है और धरती माता की पूजन के बाद में आपके आजू बाजू में जो भी बड़ी नदियां हैं, जैसे मैं नर्मदा नदी के क्षेत्र से आता हूं, तो आप उस नदी का भी ध्यान करें और बमीठी के बगल में जरूर एक बार ट्यूबवेल कराकर देखें, उस जगह से पानी अवश्य निकलेगा। बस इतनी छोटी सी बात थी आज। और जहां तक हो आप जो पानी देखने के वैज्ञानिक उपकरण हैं उनसे पानी अवश्य दिखवाएं, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं ये पहले के ज़माने की बातें हैं। बहुत पहले इस तरह से लोग वहाँ पानी देखते थे और अब समय बदला चुका है और धरती में लगातार पानी भी कम होता जा रहा है। तो हो सकता है कि इसी तारतम्य में आप बमीठी के बगल में या नारियल लेकर या डंडियां लेकर जो कुछ भी स्कीम हो उस स्कीम से पानी ढूंढें और ना मिले, परंतु ऐसा होता है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने अधिकतर ट्यूबवेल बमीठी के बगल में ही कराए हैं और जितने भी ट्यूबवेल मैंने बमीठी के बगल में कराए हैं वहाँ पे पानी अवश्य निकलता है। और अभी फ़िलहाल में मूंग की बोनी चल रही है तो हम लोग बोनी करने में व्यस्त हैं। मेरे दिमाग में बमीठी तो देखकर ये बात आ गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों से उसे शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही।